फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं नकुल और आज आप लोग के बीच बहुत ही शॉर्ट रिव्यू करने वाले हैं गाइस, जो कि हुंडई का एक्स्टर ईएक्स वेरिएंट है, जो कि सबसे बेस वेरिएंट है। आप देख सकते हैं लुक भाई गाड़ी का। तो अगर यदि हम पूरा गाड़ी का ओवरऑल बात करेंगे, ये सबसे बेस वेरिएंट है, तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ फीचर्स मिलता नहीं है गाइस। अगर यदि सेफ्टी में हम बात करेंगे तो 6 एयरबैग आपको सारे वेरिएंट में अवेलेबल है। इसमें भी आपका 6 एयरबैग अवेलेबल है गाइस। ऊपर में हम बात करेंगे तो ऊपर में कोई एंटीना वगैरह नहीं मिलता है, सिर्फ डमी मिलता है आपका। ऊपर में रूफ रेल वगैरह नहीं मिल जाता है। चारों गेट हैंडल पे आपको ब्लैक का दिया गया है, आप देख सकते हैं गाइस। यहाँ पर अगर यदि हम रेयर साइड बात करेंगे, पीछे साइड के आपको टेल लाइट यहाँ पे एच शेप में देखने को मिलता है, जो कि हुंडई को रिप्रेजेंट करता है। एक्स्टर के बैजिंग आपको देखने को मिल जाता है, यहाँ पे हुंडई के लोगो आपको देखने को मिलता है गाइज। यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक फिनिश में यहाँ पे कनेक्टिंग शो दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छा और काफ़ी मतलब स्पोर्टी को फील दे रहा है। और नीचे में हम बात करेंगे तो 2 रिफ्लेक्टेड लाइट दिया गया है। सिल्वर फिनिश में आपको रेयर स्किड्स प्लेट दिए गए हैं, जो कि अब पीछे कोई सटता है बाइक वाइक वाला तो उसको प्रोटेक्ट करता है, हालांकि काफ़ी हार्ड मेटल यूज़ किया रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइज, यहाँ पे आपको कोई रिम नहीं दिया गया है। यहाँ पे आपको 165/17 और 14 इंच का टायर आपको कंपनी प्रोवाइड करती है। यहाँ पे आपको रिम दिया गया है, कोई व्हील कैप नहीं देखने को मिलता है। और ब्रेक में बात करेंगे तो आगे डिस्क है, पीछे ड्रैम है गाइज। अगर यदि हम लुक वाइज फ्रंट की ओर चलते हैं और फ्रंट की ओर बात करेंगे, यहाँ पर आपको ORBM पे ना देखे आपको हज़ार लाइट यहाँ फेंडर में दिया गया है। इधर आपको ORBM पे ही ब्लैक दिया गया है, आप इसको पेंट भी करा सकते हैं, आफ्टर मार्केटिंग या शोरूम से भी आप पेंट करवा सकते हैं गाइज। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हाइलोजन लाइट देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको HESO है, हालाँकि इसके 2 वेरियंट ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर आपको DRL मिलता है HSF में। यहाँ पर आपको एक्स्टर की बैजिंग हुंडई की लोगो आपको देखने को मिल जाता है गाइस। हालांकि ये जो गाड़ी है, अभी हम हैं बोधगया के लुम्बिनी हुंडई शोरूम में और इसका ऑन रोड जो प्राइस पड़ रहा है, वो ऑन रोड प्राइस पड़ रहा है 7,19,166 रुपया। तो ये ऑन रोड प्राइस है, इसमें आपको RTO इंश्योरेंस इंक्लूड है गाइस। अब देख सकते हैं गाड़ी का मतलब एक्स्टर इसका मेन जो है 7,19,000 की गाड़ी है और मिड SUV गाड़ी है, तो कॉम्पैक्ट SUV कार है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और काफ़ी कंफर्टेबल है गाइस। अगर यदि हम इसका बात करेंगे इसका कंपटीटर नेक्सॉन के बारे में, पंच के बारे में बात करेंगे गाइस, तो पंच का पूरा मतलब पंच आपका 3 सिलेंडर की गाड़ी है, 4 सिलेंडर की गाड़ी है। पंच आपका 20 वेरियंट, 2 एयरबैग्स मिलेंगे। अभी जो लॉन्च कर रहा है वो ये आपका 4 एयरबैग, बट इसमें आपका 6 एयरबैग मिलता है गाइस। तो 6 एयरबैग बहुत ज़्यादा मायने रखता है, लाइफ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और गाड़ी के अंदर अगर भगवान ना करे कभी किसी के साथ हुआ बट एक्सीडेंट होता है, तो एयरबैग ही आपका लाइफ बचाता है गाइस। तो आप देख सकते हैं, हालांकि बिल्ड क्वालिटी जो आप इसको बिल्ड क्वालिटी नहीं बोल सकते सर, जो बिल्ड क्वालिटी होता है ना, स्ट्रक्चर होता है, वो मेन मजबूती होता है। और ये चदरा मजबूत होने से ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत हल्का फुल्का स्क्रेचेस से बच सकते हैं, बट भारी एक्सीडेंट से आप नहीं बच सकते गाइस। तो हालाँकि काफ़ी, और ये वैल्यू फॉर मनी है, कम पैसा में बहुत अच्छा चीज़ आपको मिल जाता है, तो मिड फैमिली मतलब मिडिल क्लास फैमिली के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और 7,19,000 की गाड़ी है, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब कंफर्टेबल वगैरह में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और इसमें आपको आगे दोनों पावर विंडो मिलता है, पीछे वाला दोनों विंडो पे आपका मैनुअल है, हाथ से घुमा के आपको अप एंड डाउन करना होगा। बस इतना ही, आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।